परम सुख डेयरी फार्म चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, जे कहो थी मेरी जीव जर्सी बीपी लो वाली, तो इसका जो बीपी लो हो गया था तो मैंने इसको जो है जो भी ट्रीटमेंट थेरेपी की, इसका जो भी ट्रीटमेंट किया था उसका वीडियो मैंने दो बार अपलोड किया था अपने चैनल पे बीपी लो के बारे में। तो काफ़ी जो मेरे चैनल को देखते हैं उन्होंने ये वीडियो देखी है, तो मैं आज उसका अपडेट दे रही हूँ गाय का। तो जब ये बीमार थी, इसका बीपी लो हो गया था, तो तकरीबन जो थी 2 लीटर दूध पे आ गई थी। तो अब पूरी कुक भर के खा भी रही है। देखो इसका जो पेट है पूरा भरा हुआ है, जुगाली भी जो है 45 के ऊपर कर रही है, और इसका दूध भी आप देखो ये 44 नंबर की है। तो इसका जो दूध है अभी 11 से ऊपर होने वाला है, 11 के करीब। तो ये थी मेरी जर्सी जो 32 लीटर जो दूध देती है, और अब ये बिल्कुल ठीक है। इसका जो बीपी है वो भी बहुत अच्छे हैं, नॉर्मल है। तो जो इसका टेम्परेचर है वो भी अब 101.8 हो चुका है। तो इस अब देखो इसका दूध भी जो है अब 11.7 है, दूध भी बढ़ा दिया है, 2 लीटर पे आ गई थी जे 32 लीटर को, 32 लीटर पे चल रही थी और बीपी लो होने की वजह से 2 लीटर पे आ गई थी। तो अब इसका बीपी भी ठीक है, टेम्परेचर भी पूरा ओके है, खा पी भी पूरा रही है प्रॉपर अपना TMR, और साथ में जुगाली भी अच्छी कर रही है, मतलब 40+ कर रही है जो जुगाली। तो अभी ये धीरे धीरे जो है 50 से भी ऊपर हो जाएगी, 47-48 जो है जुगाली कर रही है। तो जो सर्दियों में जो पशु का टेम्परेचर है वो 101 से ऊपर होता है और 102 के बीच में रहता है नॉर्मल टेम्परेचर। तो ये थी मेरी वीडियो टेम्परेचर के ऊपर कि मैम कैसे पता चले कि टेम्परेचर कितना हो। अगर 102 से ऊपर है वो 103 के करीब हो तो समझो कि आपके पशु को फीवर है, और 100 से कम हो तो समझो कि आपके पशु का बीपी लो है, उसके कान ठंडे हो, नाक खुश्क हो गया हो, कम खा रहा हो, नाक से पानी आ रहा हो, प्लस मुंह से भी पानी आ रहा हो, लार टपका रहा हो, तो उसका जो बीपी है वो लो हो जाता है जब 100 से नीचे टेम्परेचर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी फार्म से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो ये है मेरी सामनी।